प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने से सभी पार्टी पूरे जोर शोर से मैदान में उतरकर प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे दो बार से विधायक सचिन यादव पर पार्टी ने एक बार फिर अपना भरोसा जताया है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी सचिन यादव द्वारा कसरावद नगर में जनसंपर्क किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी सचिन यादव द्वारा वॉइस ऑफ राइट्स के संवाददाता जाकिर खान से चर्चा की गई। चर्चा में बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, सर्वे में भी कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। मुझे विश्वास है कि अवश्य तीसरी बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही उन्हें पूर्ण करेगी। कांग्रेस की सरकार बनने के सब चैनलों के द्वारा भी सर्वे में भी कांग्रेस की सरकार बनने के दिख रहे आसार नजर आ रहे हैं और सर्वे भी कांग्रेस की ओर इंगित कर रहे हैं, तो आपकी सरकार बनने के बाद में गरीब मजदूर महिलाओं और बेरोजगारों के लिए क्या विशेष प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमारा जो बजट पत्र है, उस बजट पत्र में हमने सभी जो ज्वलंत समस्याएं हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, सभी वर्गों को उसमें शामिल करने का काम किया। और हमारी इस पूरी सरकार के केंद्र बिंदु में हमारी माता बहनें हैं, जिनके लिए हम लोगों ने 1500 रुपये महीना, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, इलाज के खर्चे के लिए 25 लाख रुपये, 10 लाख रुपये अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना मृत्यु हो जाती है उसमें देने का काम करेंगे। पेंशन राशि 1200 करेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए पहली से आठवीं में जो बच्चे हैं उनको 500 रुपये, जो बच्चे 9वीं 10वीं में उनको 1000 रुपये, जो बच्चे हमारे 11वीं और 12वीं में उनको 1500 रुपये महीना छात्रवृत्ति में काम करेंगे। जो हमारी कन्यादान योजना है, निकाह योजना है, उसमें हम लोगों ने उसकी राशि बढ़ाकर 1,00,001,000 रुपये करेंगे। किसानों का गेहूँ जो है वो 2600 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। 5 हॉर्स पावर तक की जो बिल है वो माफ़ किया जाएगा। 12 घंटे सिंचाई के लिए किसानों को बिजली दी जाएगी। किसानों का कर्ज माफ़ी जो रह गए थे उनका कर्ज माफ़ी की जाएगी। और इसके अलावा जो है 100 रुपये में 100 यूनिट जो है हमारी योजना थी उसका हम लोग विस्तार करने जा रहे हैं। अब 100 यूनिट बिजली फ्री रहेगी और 200 यूनिट बिजली का भी माफ रहेगा। इस तरह के तमाम जो विषय हैं जो इस 18 साल की निकम्मी और नाकारा सरकार में उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी जो युवा साथी हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, डिग्रियां हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं, ऐसे नौजवान साथियों के लिए 1500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम किए जाएंगे। और अनेकों ऐसे वचन हमने हमारे वचन पत्र में शामिल किए हैं जिनको आगामी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्राथमिकता के आधार पर उनको अगले 5 साल में पूरा करने का काम किया। जैसा कि लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और ये आपकी हैट्रिक की ओर इशारा कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैं जैसे पहले कहा कि जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है उनके झूठी घोषणाओं से, झूठे वादों से, इनके आयोजनों से, इनके जुमलों से। और सब चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। 15 महीने का हमारा शासनकाल लोगों ने देखा और उसी से प्रभावित होकर के जनता बड़ी आशा और उम्मीद की निगाहों से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। और हम और हमारे तमाम साथी पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। और ये तो हमारा घर है, हमारा परिवार है, यहाँ कोई लोगों से हमारे राजनीतिक या वोट का संबंध नहीं है, यहाँ हमारे पारिवारिक संबंध है। और पूर्ण रूप से हम लोग आश्वस्त हैं कि बार भी तीसरी बार भी हम ऐसे प्रॉब्लम करेंगे। कसरावद से जाकिर खान की रिपोर्ट।